क्या आपको लगता है कि कमेंट किया था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, उनकी भी हार हुई है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हर जगह कमल विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है और कमल के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई है। जी, इस तरीके से देखें समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा था कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ब्लफ करके या ईवीएम की बातें, देखिए ये सब बातें सरकार में रहते हुए और एक समय तक जब आप जो है इतनी बड़ी पार्टी से होते हैं तो इस तरीके की बात नहीं। देश का विश्वास है ईवीएम, और ईवीएम पे ही सबने बहुत फ्री और फेयर तरीके से वोट कास्ट किया है, और इस तरीके की बात कहना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है, हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह। बिल्कुल आत्मबंधन की जरूरत, हमने लड़ाई लड़ी हनुमान की तरह और जीते हैं राम जी की तरह। अब देखिए ये अपने आप में बड़ा संयोग है, मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की भाभी वो कहती है कि बीजेपी लड़ी हनुमान की तरह और जीती राम की तरह। देखिए 2014 के बाद ये तो वोकैबुलरी चेंज हुई है, कुछ लोग बाहर से भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आए हैं और उस तो उनकी विचारधारा को उन्होंने मन से भी मान लिया है, लेकिन जो बाहर भी हैं वो भी फैंसी ड्रेस की तरह दिखते हैं। आपने क्या राहुल गांधी को फैंसी ड्रेस करते नहीं देखा, आपने क्या प्रियंका गांधी को फैंसी ड्रेस करते नहीं देखा। आज अरविंद केजरीवाल जीत के बाद सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, आपने ममता बनर्जी से लेकर सबको गीता और चंडी का पाठ पढ़ा दिया, तो कम से कम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो ने संघ बहुत खुश होगा। संघ का तो मामला ये है कि भारतीय जो बाहर भारतीय भारतीय संस्कृति में जिए, तो वो तो शुरू हो ही गया कम से कम। जी बिलासपुर से बलदेव वाले मंत्री हैं, वो जीत गए अपना चुनाव। सिराथू में टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन केशव मौर्य हो सकता है अपना घर बचा ले, एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं केशव मौर्य वहां पर, लेकिन कांटे की टक्कर का चुनाव सामने है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पटेल जो है अनुप्रिया पटेल की बहन जो चुनाव लड़ रही थी उसका निश्चित तौर पर एक इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन बीजेपी लैंडस्लाइड की तरफ है उत्तराखंड के अंदर, 48 में अब आ गई है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े सारे नेता वहां पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, भूपेश बघेल पहुंचे थे, मुझे लगता है कि उनको आज शाम की कॉफी के बाद वापस आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पांचों स्टेट में बेस्ट बेट थी मेरे ख्याल से अमीश उनके पास, क्योंकि पंजाब तो उन्होंने उनके पास बेस्ट बेट थी उनके पास, क्योंकि गोवा तो छोटी छोटी विधानसभा कहना मुश्किल है, और क्योंकि भाजपा ने भी थोड़ी गड़बड़ करी थी, तीन मुख्यमंत्री बदलना बिल्कुल 6-7 महीने में, तो बेस्ट बेट थी, और बेस्ट बेट का अगर ये हाल हो रहा है तो मानना होगा। लेकिन आई थिंक दुख की बात है कि बड़ी खबर लखीमपुर, कितना पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, आटो सीट बीजेपी जीती है एंड इट इज अ क्लीन स्वीप। आप देखिए जिन जिन को मुद्दा बनाया गया, हाथरस को मुद्दा उठाया बनाया गया, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है, लखीमपुर मुद्दा बनाया गया, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। किसान आंदोलन पश्चिम के अंदर अगर मैं नंबर देखूं तो बीजेपी 42-43 सीटों पर वहां पर जीत रही है, 7-8